वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक और सिमसिम का हॉल वीडियो। तो दोस्तों अगर आप आज की वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर हॉल वीडियो। हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सिमसिम जो है एक शॉर्ट वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ पे आप जो भी चीजें वहाँ पे मिलती है उन सभी के छोटे छोटे वीडियोस बने हुए होते हैं, उन वीडियोस को देख के आप जो है शॉपिंग कर सकते हो। तो आपके लिए जो शॉपिंग है वो बहुत कन्वीनियंट हो जाती है क्योंकि आप वहाँ पे उनकी क्वालिटी, टेक्सचर, फैब्रिक वगैरह सब कुछ देख के फिर परचेज करते हो। तो दोस्तों वहाँ पे एवरी संडे को जो है बहुत ही अच्छी क्लियरेंस सेल लगती है और वहाँ पे आपको 80% तक का ऑफ मिलता है और ये जो सेल है 24 आवर्स के लिए होती है। तो अगर आपको 80% तक के ऑफ में शॉपिंग करनी है और यहाँ पे हर कैटेगरीज में आपको ऑफ मिलेगा, चाहे वो क्लोथिंग आइटम हो, चाहे वो होम डेकोर हो, चाहे वो किचन की आइटम्स हो, हर चीज पे आपको 80% तक का ऑफ मिलेगा एंड 24 आवर्स तक ही ये सेल चलती है एवरी संडे को। तो अगर आपको परचेजिंग करनी है तो अभी जाके परचेजिंग करिए, बहुत ही सही टाइम है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या लिया है। फर्स्ट जो कुर्ती मैंने बाय करी है ये ग्रीन कलर की गुलमोहर जयपुर ब्रांड की कुर्ती है और यहाँ पे आपको जो है कुर्ती पे थ्रेडवर्क मिल जाएगा। सिंपल सी कुर्ती है, रेयन की फैब्रिक की। ये साइज जो इसमें बाय करा है मैंने एल साइज लिया है। तो ये अनारकली पैटर्न की कुर्ती आएगी, यहाँ पे रहेगी इसकी डोरी की डिटेलिंग, साइड में यहाँ पे डोरी की डिटेलिंग करी हुई है दोनों साइड में और यहाँ पे टैसल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी सी डार्क ग्रीन कलर की अनारकली पैटर्न में कुर्ती आएगी, छोटे मोटे गेट टुगेदर्स के लिए बहुत ही प्यारी कुर्ती है, कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। मटेरियल जो है इसका बहुत ही अच्छा है, 3/4 स्लीव्स आएगी इसमें। तो अगर आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने ली है ये एक कॉटन की कुर्ती है, प्रिंटेड कुर्ती रहेगी ये और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्ती है, खास करके समर्स के लिए और डेली यूज ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी कुर्ती है ये। तो ये कुर्ती मैंने एल साइज में ली है, यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिलेंगे, फ्रंट साइड बैक साइड बोथ साइड सेम प्रिंट रहेगा और यहाँ पे मिडिल में जो ये बटन्स की डिटेलिंग करी हुई है ये क्लोज बटन है, ओपन बटन नहीं है, सारे बटन क्लोज है। फ्रंट स्लिट ये कुर्ता आएगा, आप इसको लेगिंग्स के साथ में या फिर जीन्स वगैरह के साथ में पेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसका जो मटेरियल है ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, कॉटन है बट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। इसमें जो साइज मैंने लिया है एल साइज मैंने लिया है, मुझे काफ़ी अच्छी फिटिंग मिली है। तो अगर आप लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरे और भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं सिमसिम से उनकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो, काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो कुर्ता सेट मैंने परचेज करा है वो है एक प्यारा सा रेयन के मटेरियल का ये पार्टी वेयर कुर्ता सेट। तो ये जो कुर्ता एंड प्लाजो का सेट आएगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कुर्ता है बहुत ही प्यारा कुर्ता आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रेडवर्क किया हुआ है नेक पे, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे आपको गोटा वर्क मिलेगा, जो साइड का जो जगह होता है कुर्ती का वहाँ पे भी आपको जो है ये गोटा का काम मिलेगा। रेयन के मटेरियल का ये कुर्ता रहेगा और इसमें जो साइज मैंने बाय करा है एल साइज दिया है, तो बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका। बैक साइड से जो कुर्ती है बिल्कुल प्लेन रहेगी, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर कुर्ता सेट है। अगर आप छोटी मोटी पार्टीज या गेट टुगेदर्स में जा रहे हो तो वहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो थ्रेडवर्क है मैं आपको क्लोजअप में दिखा दूँ, बहुत ही प्यारा काम किया गया है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है पहनने के बाद में। इसके साथ में जो आता है इसका ये वाला प्लाजो आता है, प्लाजो भी सेम रेयन के मटेरियल का है, तो यहाँ पे आपको ये वेस्ट में इलास्टिक मिलेगा। प्लाजो का जो फ्लेयर है मैं आपको दिखा दूँ, काफी अच्छा फ्लेयर दिया गया है प्लाजो का, और प्लाजो के जो नीचे का जो पार्ट है वहां पे ये एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर लगाया गया है बहुत ही खूबसूरत सा। ये जो बॉर्डर है दोनों तरफ है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको ये बॉर्डर मिलेगा, फ्लेयर भी काफी अच्छा खासा दिया गया है, मटेरियल भी बहुत अच्छा है। ये जो कुर्ता सेट है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारी कुर्ता की सेट है। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ जो मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं सिमसिम के उनके भी हॉल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ताकि आपके लिए आसानी हो अगर आपको और भी कुछ कुछ बाय करना हो, डिफरेंट वैरायटीज देखनी हो तो आप वहां से देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो कुर्ती मैंने ली है ये एक प्यारी सी जिया ब्रांड की कुर्ती है और ये क्रेप की कुर्ती आएगी, साइज इसमें मैंने एक्सेल लिया है। तो यहाँ पे नेक पे मिलेगी ये डोरी की डिटेलिंग और यहाँ पे टैसल लग रहा है, क्रेप की प्रिंटेड कुर्ती आएगी, मीनाकारी प्रिंट है, यहाँ पे फॉइल प्रिंट करा हुआ है, ब्लैक प्रिंट करा हुआ है। बैक साइड से जो कुर्ती रहेगी बिल्कुल प्लेन रहेगी,
ये जो कुर्ती है ये क्रेप की कुर्ती है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका मटेरियल है। जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो अगर आप इसको समर्स में भी पहनते हो तो आप इसको कंफर्टेबली पहन सकते हो। साइज इसके अंदर मैंने लिया है एक्सेल, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज लीजिए। एक साइज बड़ा लोगे तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, जैसे कि मैंने भी इसमें एक साइज बड़ा लिया है, तो ये बहुत ही प्यारा फिटिंग देता है एक्सेल साइज में। नेक्स्ट जो मैंने कुर्ती ली है ये एक ब्लू कलर की अनारकली कुर्ती है फॉल प्रिंट में, और ये लाइट पार्टी वेयर कुर्ती आप बोल सकते हो। तो ये अनारकली कुर्ती आएगी कुछ इस टाइप की, फॉल प्रिंट करा हुआ है यहाँ पे और अनारकली पैटर्न में कुर्ता रहेगा। ये जो कुर्ता है कॉटन एंड रेयन ब्लेंड का कुर्ता है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड सेम है। ये जो कुर्ता है ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। साइज जो मैंने इसमें लिया है एल साइज लिया है, 3/4 यहाँ पे स्लीव्स आएगा, और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। खास करके समर्स के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी ये वाली कुर्ती। अगर आप किसी भी लेगिंग्स के साथ में पहनते हो तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा इस कुर्ती का, और काफ़ी अच्छी खासी लंबाई है इस कुर्ती की, तो बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती है। अगर आप लेना चाहते हो तो इसकी परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब मैंने लिए हैं कुछ पार्टी वेयर पर्सेस, कुछ क्लच मैंने लिया है। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये पोटली काइंड ऑफ मैंने पर्स लिया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत ये काम किया गया है इस पे। सिल्क के मटेरियल पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लास वर्क करा हुआ है, स्टोन वर्क करा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका हैंडल दिया गया है ये पर्ल्स का बना के दिया गया है आप देख सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत ये पोटली है, और इसका अंदर का मटेरियल मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे अंदर का मटेरियल कुछ इस टाइप का रहेगा दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाला पोटली काइंड ऑफ पर्स है, जो कि शादी वगैरह में अगर आप लेके जाते हो अपने साथ में, लहंगा वगैरह के साथ में कैरी करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा। खूबसूरत पोटली काइंड ऑफ मैंने पर्स लिया है, और ये ब्राइट कलर में है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है दोस्तों ये भी मैंने एक पोटली काइंड ऑफ पर्स लिया है, ग्रे कलर में है ये, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का, यहाँ पे माला दी गई है गोल्डन कलर की, और यहाँ से कुछ इस टाइप के यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं इस तरीके से, ये ओपन हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि वेडिंग वगैरह में गिफ्ट करने के लिए, या फिर बहुत ही खूबसूरत ये वाला एक रहेगा पोटली काइंड ऑफ जो पर्स है ये। सिल्क के मटेरियल पे यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे में थ्रेडवर्क किया हुआ है, दोनों साइड में आप हर साइड में देख सकते हो थ्रेडवर्क किया हुआ है, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारी है। कलर जो है मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, थोड़ा डिफरेंट कलर है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साड़ी के साथ में या फिर लहंगा के साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है ये। तो शादी का सीजन तो चल ही रहा है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें इसको। जो मैंने बाय करा है ये मैंने एक पर्स लिया है, बहुत ही प्यारा सा पार्टी वेयर पर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे पूरे पे ग्लिटर वर्क करा हुआ है फ्रंट साइड बोथ साइड में, मतलब फ्रंट एंड बैक साइड बोथ साइड में आपको ग्लिटर वर्क मिलेगा। यहाँ पे ये गोल्डन कलर का हैंडल मिलेगा, और यहाँ पे जो है चेन दी गई है कुछ इस तरीके से, ओपन हो जाती है चेन जो है बहुत ही स्मूथली ओपन हो जाती है। और मैं आपको निकाल के ये सब दिखा दूँ जो कि पेपर्स वगैरह दिए हुए रहते हैं पर्सेस में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पर्स आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एक चेन दी गई है जिसमें आप अपने कुछ पैसे वगैरह रख सकते हो, और यहाँ पे जो है जगह दी गई है जहाँ पे आप अपना कुछ भी कार्ड वगैरह रख सकते हो, और इसमें आप अपना छोटा कोई वॉलेट भी रख सकते हो तो वो आराम से आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्लच है, इसके अंदर में आपका मोबाइल भी आराम से आ जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये वाला मुझे लगा पर्स किसी भी पार्टी वगैरह के लिए। एंड ये जो कलर है ये गोल्डन कलर है, तो ये किसी भी कलर की साड़ीज में या फिर वेस्टर्न आउटफिट में भी बहुत ही आराम से चला जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पर्स है। तो नेक्स्ट जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है एक क्लच। तो यहाँ पे ये जो है ब्लू कलर का मैंने क्लच लिया है, व्हाइट कलर रेड कलर बहुत ही कॉमन है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लू कलर ट्राई किया जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्लच मैंने लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ये चेन दी गई है लंबी सी, आप इसको एज ए स्लिंग भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्लच है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे जो थ्रेडवर्क किया हुआ है सिल्क के फैब्रिक पे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का थ्रेडवर्क किया हुआ है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको ये वॉलेट वहाँ पे मिल जाते हैं, क्लचेस मिल जाते हैं, तो आप इसको एज ए स्लिंग भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो चेन है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी गई है, तो अगर आप लेना चाहते हो कोई पार्टी वेयर क्लच तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जरूर आप बाय करें, बहुत ही अच्छा है। एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग
या फिर लहंगे के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये वाला क्लच है। तो दोस्तों अब मैंने लिया है स्लिंग बैग और हैंडबैग का एक कॉम्बो। वो कॉम्बो तो इसमें जो है हैंडबैग एंड स्लिंग बैग बोथ आई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इसका हैंडबैग, और बहुत ही प्यारा हैंडबैग है। ऑफिस वगैरह के लिए अगर आप लेना चाहते हो कोई अच्छा सा हैंडबैग तो डेफिनेटली आप बाय करें। बहुत ही कंफर्टेबल है एंड बहुत ही स्पेशियस हैंडबैग है ये। तो यहाँ पे आपको दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, और एक कंपार्टमेंट ये रहा, एक कंपार्टमेंट एक और मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर में एक छोटी सी चेन दी गई है। तो यहाँ पे भी आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो, और यहाँ पे बाहर साइड में भी चेन दी गई है, जहाँ पे जैसे कि ऑटो वगैरह के लिए जो चेंज वगैरह होता है वो सब आप रख सकते हो अपना। तो और यहाँ पे ये जो है कलरफुल बटन्स की डिटेलिंग करी हुई है। बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका, जो फैब्रिक है, जो पर्स का जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। तो ऑफिस वगैरह के लिए काफ़ी स्पेशियस रहेगा, काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें। और ज़्यादा मतलब ढिंचक कलर नहीं है, सटल कलर है, तो ऑफिस वगैरह के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और इसके साथ में कॉम्बो में आता है इसका ये स्लिंग बैग, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्लिंग बैग है, पिंक कलर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन्स लगे हुए हैं स्लिंग बैग पे, और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है दो कंपार्टमेंट दिए गए हैं। चेन की क्वालिटी जो है सभी पर्सेस की बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट कंपार्टमेंट, देन आएगा सेकेंड कंपार्टमेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा सेकेंड कंपार्टमेंट। तो काफ़ी स्पेशियस ये भी स्लिंग बैग है, और आउटिंग वगैरह के लिए अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बैक साइड में भी एक ये कंपार्टमेंट दिया गया है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये स्लिंग बैग है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कॉम्बो में, ये स्लिंग बैग एंड हैंड बैग दोनों आपको मिल जाती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। तो अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली बाय करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्लिंग बैग और हैंड बैग है ये। तो आज की वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।